जीवन में चमत्कार होते हैं? बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। क्या किस कारण से होते हैं ये चमत्कार? ये हमको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? चमत्कार क्या है, चमत्कार का मतलब क्या है, यही समझना है पहले। जो चीज हमारे समझ में नहीं आती है उसे हम कहते हैं चमत्कार है, मिरेकल समझते हैं। तो एक व्यक्ति के लिए जो चमत्कार है, मिरेकल है, हो सकता है दूसरे के लिए वो बहुत ऑर्डिनरी बात हो। इसीलिए जब जीवन में कोई ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे समझ में नहीं आती है तो हम उसे चमत्कार कहते हैं। जैसे अभी अभी आपने पूछा था कि कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार उन लोगों के साथ जो हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देते हैं, ऐसे समय भी चमत्कार हो जाते हैं। अगर वह व्यक्ति किसी न किसी वजह से ध्यान में आ जाता है, उसकी समझ में आने लगता है और उसकी सुइसाइड टेंडेंसी है तो वो भी उसमें सुधर जाता है, तो वह उस व्यक्ति के लिए एक चमत्कार ही है ना। जैसे मेरे जीवन में भी हुआ, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। सारे डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया कि इसे ठीक तो नहीं कर सकते, आपको पेन किलर लेते रहना है या तो वो गले का पट्टा लगा के घूमना है। तो मैं बहुत ही मुश्किल में था, लेकिन जैसे ही मुझे मिले गए कि भाई आपके लिए ये डॉक्टर न्यूटन ने मुझे बताया मिलकर कि ये ध्यान करो और ध्यान से ये ठीक हो सकता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि ऐसे कैसे होगा। इतने सारे डॉक्टर बता रहे हैं, इतना सारा एडवांस साइंस है हमारा, मेडिकल साइंस, और मैं तो मुंबई में रहता हूँ, सबसे ज़्यादा एडवांस हॉस्पिटल से डॉक्टर से यहाँ पर, और सभी बता रहे हैं कि इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का कोई इलाज नहीं है। और ये कह रहे हैं डॉक्टर न्यूटन मुझे कि अरे आप ध्यान करो तो ध्यान से ठीक हो जाएगा। और जैसे ही मैं उनके गाइडेंस में बेंगलोर पहुँच गया, हमारे गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी से मिला और उनसे ध्यान सीखने लग गया तो मैं ठीक हो गया। तो यही है चमत्कार मेरे जीवन में, क्योंकि ये मैंने जानता ही नहीं था कि ध्यान से ऐसे दुर्धर रोग जिसे मेडिकल साइंस कहता कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं, वो भी ध्यान से ठीक हो सकते हैं। कितना बड़ा चमत्कार है, यही है चमत्कार, क्योंकि हम जानते नहीं थे। लेकिन जैसे मैं ध्यानी बन गया तो इस ध्यान जगत में जैसे मेरे साथ सारे पिरामिड मास्टर्स थे सबको मिलकर, तो हमारे लिए मेरे लिए भी आज इतने सालों के बाद ये नॉर्मल चीज़ लग रही है मुझे, क्योंकि मैं समझ गया उसका कारण कि कैसे होता है ध्यान में ये स्थिति, कैसे शरीर में बदलाव होते हैं, मन की स्थिति क्या होती है, आत्मा क्या होता है। ये पूरा स्पिरिचुअल साइंस जो है वो जैसे हम समझने लग गए, इस ध्यान के पीछे कौन सा शास्त्र है ये समझने लग गए, तो आज मुझे यह मिरेकल नहीं लगता, चमत्कार नहीं लगता, लेकिन उस समय बहुत बड़ा चमत्कार लगा था मुझे। और जब भी मैं किसी को बताता हूँ तो पहले तो विश्वास करने लायक ही नहीं होता उनके लिए भी, वो भी कहते ये तो चमत्कार है जी, आप मिरेकल बता रहे हो, ऐसे कैसे होगा। मेरा तो डॉक्टर भी जब मैंने उसको बताया, एक्सरे निकाला मेरा ठीक होने के बाद, तो वो भी कहने लग गया कुलकर्णी दिस इज अ मिरेकल, व्हाट हैव यू डन, कैसे ठीक हो गया ये। ऐसे होता है।